दोस्तों, क्या आपको अपने इस होम प्लेनेट अर्थ की कुछ खास बातें पता हैं? जैसे क्या अर्थ की सही शेप वाकई गोल है या आपसे आज तक झूठ बोला गया है? आखिर अर्थ पर कुछ जगहों पर जीरो ग्रेविटी क्यों होती है? और हम आपको बताएंगे कि साल 3022 में अर्थ का क्या हाल होगा। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 10, पेंजिया। आज अमेरिका इंडिया से 7 समंदर पार है, तो श्रीलंका इंडिया का पड़ोसी देश है। इस तरह से अर्थ पर कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से करीब 3 करोड़ साल पहले अर्थ पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आज के मौजूदा 7 कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया का नाम दिया गया है। आज से लगभग 1.75 करोड़ साल पहले अर्थ की इनर टेक्टोनिक प्लेट्स में आने वाली हलचल की वजह से ये पेंजिया टुकड़ों में बटने लगा और धीरे धीरे पेंजिया के 7 टुकड़े हो गए, जिन्हें आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट्स आज भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लगभग 2.5 करोड़ साल बाद ये कॉन्टिनेंट्स फिर से आपस में जुड़ जाएंगे। वेल, अफसोस, ये देखने के लिए हम जिंदा नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने जान तो लिया। नंबर 9, परसेंटेज ऑफ पोटेबल वाटर ऑन अर्थ। ये तो आप जानते हैं कि अर्थ को नीला प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है, अर्थ पर इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी अर्थ पर पानी की इतनी कमी क्यों होती है? हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, अर्थ पर जितना भी पानी मौजूद है, उसमें से 97% पानी तो समंदर के पानी की फॉर्म में है, और बाकी का बचा हुआ 3% पानी ही फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। इस 3% के 100% में से भी 79% पानी ग्लेशियर्स और आइस की फॉर्म में होता है, और 20% पानी ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, और सिर्फ 1% पानी ही नदियों के रूप में अवेलेबल है। अब आप खुद ही सोचिए, इस नीले पानी वाले प्लेनेट पर सिर्फ 1% पानी ही पीने लायक और इजीली एक्सेसिबल है। यही वजह है कि पानी की कमी हमें मौसम के हिसाब से फेस करनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, आपको पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 8, द वॉकिंग रॉक्स ऑन अर्थ। क्या आप हमारा यकीन करेंगे अगर हम आपसे कहें कि अर्थ पर कुछ रॉक्स ऐसे भी हैं जो चल सकते हैं? आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये वॉकिंग रॉक्स डेथ वैली के रेस ट्रैक प्लाया में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब आपको इन वॉकिंग रॉक्स के पीछे की सच्चाई बताते हैं। असल में दोस्तों, डेथ वैली के इस रेस ट्रैक प्लाया में तूफान इतनी स्पीड से आता है कि रॉक्स ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। नासा के रिसर्चर्स के मुताबिक ये वॉकिंग रॉक्स बाकी के रॉक्स से अलग होते हैं। ये रॉक्स असल में वो पत्थर होते हैं जिन पर कभी बर्फ जमा करती थी। यही वजह है कि ये रॉक्स हवा के हल्के से झोंके से भी मूव करने लगते हैं। दोस्तों, सबसे अलग और हैरान करने वाली बात यह है कि रेस ट्रैक प्लाया एरिया में हवाओं की स्पीड इतनी तेज होती है कि हजारों पाउंड के रॉक्स भी आसानी से रुई की तरह उड़ने लगते हैं, और ये रॉक्स अपने पीछे एक रास्ता बनाते हुए चलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये रॉक्स किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। हालांकि ये डायरेक्शंस हमेशा सीधी नहीं होती हैं, ये अक्सर टेढ़ी मेढ़ी ही होती हैं। नंबर 7, अनइवन ग्रेविटी। अर्थ पर ग्रेविटी है और मून पर नहीं, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अर्थ पर भी ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती है। अर्थ पर बहुत सी जगह ऐसी भी है जहाँ बहुत कम ग्रेविटी है, और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। चलिए आपको कुछ जीरो ग्रेविटी वाली जगह के नाम बताते हैं। पहला, कैलिफोर्निया का मिस्ट्री स्पॉट। दूसरा, मिशिगन का सेंट इग्नस मिस्ट्री स्पॉट। तीसरा, फ्लोरिडा का स्पूक हिल। और चौथा, कनाडा का हडसन बे। इसके अलावा अर्थ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेविटी आर्कटिक ओशन के सरफेस पर पाई जाती है। वैसे आपको भी इन जगहों का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। इस अनइवन ग्रेविटी की वजह अर्थ की टिल्टेड शेप भी है, जिसके बारे में हमने आगे की वीडियोस में डिस्कस किया है। नंबर 6, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स एंड लार्जेस्ट अर्थक्वेक मेजर्ड टिल नाउ ऑन अर्थ। अर्थक्वेक यानी भूकंप का नाम सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भूकंप के आने की असली वजह क्या होती है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अर्थ की सतह में प्लेट्स होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। वैसे तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, और जब इन मूवमेंट्स के दौरान ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या अलग होती हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, जो वेव्स की फॉर्म में तेजी से अर्थ के सरफेस की तरफ आती हैं, और यही वेव्स हमें अर्थक्वेक आने का एहसास कराती हैं। अब बात करते हैं अब तक के सबसे खतरनाक और विनाशकारी भूकंप की। दोस्तों, अब तक का सबसे हाई मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड किया गया भूकंप मार्च 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स में आया था। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9.2 था। लेकिन दोस्तों, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हाल ही में मई 2022 में चिली के अंदर 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है, जो अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है। नंबर 5, जियो मैग्नेटिक रिवर्सल। दोस्तों, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, जिन्हें आप मैग्नेटिक कंपास की मदद से देख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ के कोर से रिलीज होती हैं, और साथ ही ये डायपोल होती हैं, मतलब इनका एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। अब जियो मैग्नेटिक रिवर्सल से मतलब होता है कि इन फील्ड्स का आपस में बदलना, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल में बदल जाता है।
अर्थ अक्सर अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन को बदलती रहती है। हालांकि इस मैग्नेटिक रिवर्सल से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता है, पर समुद्री जीवों को इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि वो जीव इन मैग्नेटिक फील्ड से ही डायरेक्शन का पता लगाते हैं। और इसके अलावा दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपास भी खराब हो जाएंगे। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स बताएं, तो पिछले 1500 सालों में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स में बहुत ही कम बदलाव आया है। नंबर 4, अर्थ इज अ रिसाइकल्ड प्लैनेट। दोस्तों, जिस जमीन पर आप और हम चल रहे हैं वो रिसाइकल्ड है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। असल में दोस्तों, अर्थ पर रॉक्स का फॉर्मेशन एक प्रोसेस के थ्रू होता है। इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंटरी रॉक्स, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलता है, जो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, जिसे इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट आने की वजह से ये इग्नियस रॉक्स अर्थ के सरफेस पर आ जाती हैं। सरफेस पर आने के बाद ये रॉक्स इरोजन और प्रेशर की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ जाती है, जिसे सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। और जब ये सेडिमेंटरी रॉक्स जमीन के अंदर धीरे धीरे धंसती जाती है, जिसके बाद हाई हीट की वजह से सेडिमेंटरी रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। इस तरह से ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता है। कभी कभी ये स्टेप्स आपस में बदल भी जाते हैं और रिवर्स भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप मानते हैं ना कि अर्थ और नेचर के पास खुद को रिसाइकल करने के बहुत से तरीके होते हैं। नंबर 3, अर्थ इज नॉट स्फीयर। बचपन से आज तक हम यही पढ़ते आए हैं कि अर्थ एक स्फीयर की तरह गोल होता है, लेकिन ये सच नहीं है। अर्थ की शेप असल में थोड़ी सी टिल्टेड यानी चपटी होती है। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के मुताबिक, जब अर्थ रिवॉल्व होती है तो ग्रेविटी अर्थ को सेंटर की तरफ पुल करती है, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ पुश करता है। इन ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से अर्थ अपने एक्सिस पर थोड़ा टेढ़ा और चपटा है। आप इसे ऐसे मान लीजिए कि जैसे किसी बॉल को जोर से जमीन पर मारने से निशान पड़ गया हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी ही टिल्टेड अर्थ की वजह से अलग अलग मौसम आते हैं और दिन और रात की ड्यूरेशन बदलती रहती है। यहाँ तक कि जो अनइवन ग्रेविटी वाला फैक्ट हमने आपको पहले बताया है, वो भी अर्थ की इसी शेप की वजह से होता है। और वैसे भी अब से आप लोगों को अर्थ की रियल शेप राउंड नहीं बल्कि इलिप्सॉइड बताना। नंबर 2, हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर दुनिया पर जीवन कैसे शुरू हुआ था। दोस्तों, अर्थ पर बहुत ही अलग अलग जीव रहते हैं, लेकिन उन सभी में सबसे सर्वश्रेष्ठ और इंटेलिजेंट जीव ह्यूमन यानी इंसानी है। और इंसान का एवोल्यूशन एक बंदर से हुआ है, ये सब हमने सुना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ पर जीवन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें, अर्थ पर सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया था। खैर, इंसान के जीवन के एग्जिस्टेंस की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्वड है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि साइंटिस्ट बहुत तेजी से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 1, अर्थ इन 3022। ग्लोबल वार्मिंग से तो आप वाकिफ ही होंगे और आप बढ़ती गर्मी से बहुत परेशान भी होंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से गर्मी का स्तर और लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये गर्मी आने वाले सालों में कैसा रूप ले लेगी। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लगभग 100 करोड़ साल बाद सूरज आज के मुकाबले में 10% ज्यादा गर्म और चमकदार हो जाएगा, और 400 करोड़ साल बाद गर्मी इस कदर बढ़ जाएगी कि समंदर का पानी भी भाप बनकर उड़ जाएगा। और तो और, 750 करोड़ साल बाद अर्थ भी मार्स की तरह रेत में बदल जाएगा। उस वक्त सूरज इतना हीट अप हो चुका होगा कि उसके पास वाले प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस और मून पूरी तरह से भस्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।